हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैन अदर न्यू ब्लॉग। गाइज आज जा रहे हैं हम लोग वेस्ट बंगाल, हम और मम्मी। वहाँ पर कोई जगह है बासाबुरु नाम का, तो मम्मी वहीं से आयुर्वेदिक दवाई मिलता है तो वहीं पर ही मम्मी दवाई लेती है। वहाँ जा रहे हैं। देखिए कौशिक भी आ गया है धनबाद से बहुत दिन के बाद। क्या हाँ, तुम है नहीं, मेरा ब्लॉग नहीं बन रहा इधर, मिट्टी उट्टी फोड़ने वाला वो भी बनेगा अभी, अभी आई है ना। अभी अभी कितना दिन तक रहेगा? अभी 14-15 दिन जैसे। वाह शाबाश, बहुत ब्लॉग बनेगा अभी साथ में। हाँ अभी हर ब्लॉग में रहेगा मांडी। तो भाई अभी मम्मी को लेकर जाना है बंगाल, चलिए उधर का रास्ता उसका, उधर का व्यू अच्छा है तो आप लोगों को दिखाते हैं उधर चल कर। और वहाँ पर वो जो आयुर्वेदिक मतलब डॉक्टर है कि कुछ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो जाके देखते हैं। सुने हैं बस, जाके देखते हैं। तो मेरा ब्लॉग देखा कि नहीं, 1K वाला? 1K से ज़्यादा केक कब खिला रहा तुम? 1K का बर्थडे का केक बाकी है। केक हम बोले तुमको आने के लिए, तुम आया नहीं, अभी आ रहा है। केक रखा हुआ था, कल ही खत्म हुआ। हाँ रे सच में केक खाएगा। चलो देखते हैं तब। चलिए गाइस मम्मी निकल रही, पानी भर रही है, निकल रहे हैं। उसके बाद पहुंच चुके हैं यहाँ पर, बासाबुरु जगह का नाम है। और देखिए इधर वो जहाँ पर मम्मी दवाई लेती है वहीं पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा गाड़ी भी खड़ा है एकदम, उनके दिखाते हैं बैक कैमरा से। बहुत भीड़ भी है, मतलब कुछ जड़ी बूटी वाला दवाई देते हैं। চিকিৎসা अच्छा खजूर पे जमे तो देखेगा इस। देखिए उधर दिख रहा है 50 से भी कम से कम 50 से ज़्यादा जन है यहाँ पर। और वो जो दवाई दे रहे हैं आप लोग तो देखे होंगे, अभी क्लिप दिए थे इसके पहले, तो यूरिन देख के मतलब वो जो डाल रहे हैं देखे उसमें वो यूरिन है, यूरिन देख के दवाई देते हैं, सब चीज़ का दवाई देते हैं। और देख रहे हैं यहाँ भीड़ कितना है, पूरा कार सोमू मतलब कुछ फेमस है पूरा एकदम। मम्मी का भी ठीक हो रहा है, तभी आ रही है। चलिए अब देखते हैं कितना देर होता है, अब वहाँ पर लिख के कहीं और दवाई देना पड़ेगा, अंदर तरफ है तो चलिए देखते हैं कितना देर होता है। तब तक कुछ दुकान खोजते हैं खाने के लिए, भूख लग रहा है।
देख सकते गाइस कितना मतलब समझदार है। ऐसे भी डॉगी सब समझदार होता ही है। देखिए डॉग सब पूरा मस्त जो बोल रहे हो वो करने लग जा रहा है, कूदने लग जा रहा है, कूदने बोल रहे तो मेरा हाथ पकड़ लिया था, हाथ मिला रहा था मेरे से। अभी तो ये ब्रेक में गाइस अभी तक हुआ नहीं है हम लोग का, अभी ब्रेक हो रहा है क्योंकि थोड़ा देर बाद मम्मी का हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे खाने के लिए। यहाँ पर कुछ है भी नहीं खाने का। फाइनली गाइस अब हम लोग का हो चुका है, मम्मी का हो गया डॉक्टर वाला काम, क्या बोलते हैं, अढ़ाई घंटा हो गया हम लोग का लगभग आए हुए। देखिए दवाई मिल गया मम्मी को, देखिए बोले था जड़ी बूटी वाला कुछ दवाई मिलता है, गर्म पानी का रस उस निकाल के पीने के लिए बोला है ना, नींबू का रस के साथ। चलिए गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत भूख लग रहा है, इधर कुछ दुकान भी नहीं है, जाते हैं पहले इधर बांधवान तरफ कुछ खा लेते हैं और फिर घर जाएंगे। और इधर में तो आज तो गाइस कम भीड़ है, और बोल रहे थे सब कि संडे के दिन पूरे 400-450 जन रहता है ना, आज तो थोड़ा कम भीड़ है, तो चलिए हम लोग बच गए फिलहाल, कम भीड़ है, कम भीड़ ही ठीक है। चलिए निकल रहे हैं सब, कम भीड़ में ढाई घंटा। आ गया गाइस, देखिए हम लोग यहाँ पर यही मिलता है, सिंगाड़ा और लड्डू है, चटनी नहीं मिलता इधर बंगाल तरफ, देखिए पूरा पत्ता में दिया जाता है इधर। चलिए खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं मामागर, और देखिए बाल किस तरह का हो गया है, मुर्गा जैसा खड़ा हो गया। चलिए गाइस अब जो है नहा तो हम सुबह ही लिए थे, खाना खा लेते हैं पैर हाथ धो के, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अब तो वो तबीयत वबीयत ख़राब होगा तो वो वापस जा सकते हैं, जो दवाई उवाई दे रहे थे आयुर्वेदिक वाला, बहुत ज़्यादा बहुत सबको जाता है, सब मानता है, मतलब अच्छा दवाई देते होंगे। चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।